हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल को, जो अभी 2018 में नई सरकार चुनकर आई कांग्रेस की, उसके मंत्रिमंडल। आपको बता दें सबसे पहले कमलनाथ के बारे में कि इनका जन्म हुआ 18 नवंबर 1946 में। आपको बता दें इससे पूर्व ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, और ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 बार इस क्षेत्र से ये जीत हासिल कर चुके हैं। इनके अंदर कौन कौन से अंडर में विभाग है देख लेते हैं। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, विज्ञान टेक्नोलॉजी, विमानन, लोक सेवा प्रबंधक, प्रवासी भारतीय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। तो इनके अंदर ये विभाग है शामिल। अब बात करते हैं जया बच्चन के बारे में, श्री बाला बच्चन के बारे में। इन्हें मिला है गृह जेल मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्रालय। आपको इनके बारे में बता दें कि जया बच्चन जो चुनी गई, है राजपुर सीट से, ठीक है। अगली बात करते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत। इन्हें राजस्व परिवहन मंत्री कब मिला है, पद परिवहन मंत्री मिला मंत्रालय। चलिए अगली बात करते हैं सामान्य वर्ग से आते हैं, ठीक। सुर्खी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, ठीक है, गोविंद सिंह। अगली बात करते हैं श्री तरुण भानोट। ये सामान्य वर्ग से आते हैं और जबलपुर वेस्ट से दूसरी बार विधायक बने हैं। इन्हें मिला है वित्त, सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग। अगली बात करते हैं विजेंद्र सिंह राठौर। ने मिला हुआ है वाणिज्यिक कर मंत्री मंत्रालय। आपको बता दें ये पृथ्वीपुर विधानसभा से चुने गए हैं, और अब पृथ्वीपुर विधानसभा निवाड़ी जिले में आती है, क्योंकि एमपी में 52 जिले हो गए ना। अगली बात करते हैं श्री सज्जन सिंह वर्मा। आपको बता दें इनके विभाग के बारे में, ये एससी से आते हैं, सोनकच्छ से विधायक हैं ये, ठीक है। इनके अंतर्गत है लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण मंत्री मंत्रालय इन्हें मिला हुआ है। अगली बात करते हैं श्री हुकुम सिंह कराड़ा। इन्हें जल संसाधन मंत्री बने हैं, साजापुर से विधायक बने हुए हैं। अगली बात करते हैं श्री डॉक्टर गोविंद सिंह। ये सहकारिता संसदीय कार्य क्षेत्र मिला हुआ है इन्हें। ये सामान्य वर्ग से आते हैं, ठीक है, और ये लाहौर से 7वीं बार विधायक बने हैं। अगली बात करते हैं आरिफ अकील। इन्हें मिला हुआ है, आरिफ अकील को मिला, जो भोपाल उत्तर से 6वीं बार विधायक बने हुए हैं। इन्हें मिला हुआ है भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं। अगली बात करते हैं हम डॉक्टर विजया लक्ष्मी साधो। ये एससी वर्ग से आती हैं और महेश्वर से 3री बार विधायक बनी हुई हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत है संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष मंत्री मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्रीमती इमरती देवी। इनके अंतर्गत है श्रीमती इमरती देवी के अंतर्गत है, ये एससी से आती हैं, डबरा से 3री बार विधायक बनी हुई हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से, ठीक है। इनके अंतर्गत है महिला एवं बाल विकास मंत्री मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री प्रदीप जायसवाल। इनके अंतर्गत आता है खनिज संसाधन मंत्री मंत्रालय, ठीक है, और ये ओबीसी से आते हैं, ये 12 सिवनी से 4री बार विधायक बने हुए हैं निर्दलीय। अगली बात करते हैं श्री लाखन सिंह यादव।
इनके अंतर्गत है, ये ओबीसी से आते हैं और आपको बता दें ये भीतर वार्ड से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इनके अंतर्गत है पशुपालन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग विकास मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री तुलसी राम सिलावट, श्री तुलसी राम सिलावट, इनके अंतर्गत है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये एससी वर्ग से आते हैं, सांवेर से चौथी बार विधायक बने हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं ओमकार सिंह, श्री ओमकार सिंह मरकाम, इनके अंतर्गत है जनजातीय जनजातीय कार्य विभाग और विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग। ठीक है, ये डिटोरी से तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। ठीक है, ओमकार सिंह मरकाम। अगली बात करते हैं डॉक्टर विभु राम चौधरी, विभु राम चौधरी, ये एससी वर्ग से आते हैं और सांची से तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत है स्कूल शिक्षा मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री प्रिय वित्त सिंह, आपको बता दें श्री प्रिय वित्त सिंह, इनके अंतर्गत है ये सामान्य वर्ग से आते हैं, आपको बताएं ये खिलचीपुर से तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। इनके अंतर्गत है ऊर्जा मंत्रालय। अगले बताएं श्री सुखदेव पासे, श्री सुखदेव पासे, इनके अंतर्गत है ये ओबीसी से आते हैं और आपको बताएं कि ये मुलताई से तीसरी बार विधायक पासे बने हुए हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय। अगली बात करें श्री उमंग सिंगार, ये चुने गए हैं एसटी वर्ग से आते हैं, गंधवानी से तीसरी बार विधायक बने गए हैं, इनके अंतर्गत है वन मंत्रालय। ठीक है, अगली बात करते हैं श्री हर्ष यादव, श्री हर्ष यादव के अंतर्गत है मंत्रालय, ये ओबीसी से आते हैं, देवरी से तीसरी बार विधायक बने हुए हैं, इनके अंतर्गत है कुटीर एवं ग्रामोद्योग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, आपको बता दें श्री जयवर्धन सिंह, जयवर्धन सिंह के अंतर्गत है नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। आपको बता दें ये राघोगढ़ से दूसरी बार विधायक बने हुए हैं, दिग्विजय सिंह के बेटा हैं ये। ठीक है, लड़के हैं, और इससे पहले ये दिग्विजय सिंह तो वो थे ना सीएम थे एमपी के। अगली बात करते हैं जीतू पटवारी, जीतू पटवारी के अंतर्गत है विभाग, ये ओबीसी से आते हैं और इंदौर की राव सीट से दूसरी बार विधायक बने हुए हैं, इनके अंतर्गत है खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री कमलेश्वर पटेल, श्री कमलेश्वर पटेल के ओबीसी से आते हैं और सिंगावल से दूसरी बार विधायक बने हुए हैं। ठीक है, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके अंतर्गत। अगली बात करते हैं श्री लखन घन घोरिया, इनके अंदर श्री लखन घन घोरिया के ओबीसी से आते हैं और भीतरवाल से ये तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इनके अंतर्गत है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये सामान्य वर्ग से आते हैं, बमोरी से दूसरी बार विधायक बने हैं, श्रम मंत्रालय इनके अंतर्गत है। अगली बात करते हैं श्री पीसी शर्मा,
पीसी शर्मा। आपको बता दें इनके अंतर्गत पीसी शर्मा सामान्य वर्ग से आते हैं, भोपाल मध्य से दूसरी बार विधायक बने हुए। इनके अंतर्गत है विधि और विधायी कार्य, मुख्यमंत्री से संबंधित हैं मंत्रालय। अगली बात करते हैं श्री पिदुम्न सिंह तोमर। श्री पिदुम्न सिंह तोमर के अंतर्गत आते हैं इनके नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, मंत्रालय आता है। वे सामान्य वर्ग से आते हैं, ग्वालियर से दूसरी बार विधायक बने हुए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं श्री सचिन सुभाष यादव। श्री सचिन सुभाष यादव इनके अंतर्गत है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, विकास और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। सचिन सुभाष के अंतर्गत है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम ये कसरावस बिस से दूसरी बार विधायक चुने गए। अगले हैं सुरेंद्र सिंह बघेल, ठीक है। सुरेंद्र सिंह बघेल सामान्य वर्ग से आते हैं, कुछी से दूसरी बार विधायक बने हैं। नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्रालय इनके अंतर्गत। चलिए तो ये थे सब मंत्रिमंडल कमलनाथ सरकार के, ठीक। अब ये सरकार कब तक चलती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से नहीं है, दूसरे का समर्थन लिए हुए, देखते हैं, तब देख लेंगे जो भी होगा।